बेटा एक बात देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये कलर्स मैंने पता है क्यों यूज़ किए, कि आप इसे अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकें। कैसे? अगर आपसे ये सही नहीं बन रही, एक दफ़ा नहीं सही बनी, आप इसको ब्लू कलर में बैकग्राउंड कर रहे हैं, सेम टेक्निक उसमें अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपका कैनवास वेस्ट नहीं होगा। जब आपने ब्लू में कर लिया, आप उसमें देख रहे हैं अभी भी कुछ एरर है, आप उसी पे ब्लैक करके सेम टेक्निक ब्लैक में कर दें। और 3 से 4 बार करने के बाद आपको ये इशू रहेगा ही नहीं, इंशाल्लाह। होता क्या है, ये जो अल्फाज होते हैं ये आपके आपकी सोच और आपके हाथ की कमांड पे होते हैं। एक बात मैंने पहले भी कई लेसन्स में कह चुका हूँ, अब फिर भी कह रहा हूँ आप सबको, कि जिन बच्चों ने फ्री हैंड कैलीग्राफी सीखनी है, A4 के पेपर ले लें, A4 के पेपर, उन पे 2 मिलीमीटर के हिसाब से पेंसिल से ये लाइनें लगाएं, बिल्कुल यहाँ पे रास्ते में रुकना कहीं नहीं। जो स्पीड आपने पहली लाइन पे रखी है वही स्पीड आपने एंड तक बरकरार रखनी है। लाइन किधर जा रही है इसका ख्याल नहीं आपने करना, एक टाइम आएगा आपको आपकी, अच्छा जब ऐसे आपने लगा लिया फिर आप पेपर को चेंज कर लें और ये इसी तरफ से ये कर दें। और इस अमल को आप कोई 8 से 10 पेपर दोनों तरफ कर दें, उसके बाद देखें आपके हाथ में कितनी फोर्स आती है। ये इंसान का एक जो डर होता है ना, कि पता नहीं इस पे क्या होगा, अब इसे सही लिखा नहीं जाएगा, ये आपके डर के लिए, डर को दूर करने के लिए फ्री हैंड पेंसिल से लाइनें लगाएं, प्लस और माइनस दोनों एंगल पे, नेगेटिव पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो लाइनें लगाएं दोनों तरफ पेपर के। और आप A4 के पेपर उनको तकरीबन डेली 2 पेपर पे आप करें, जब भी आपको फुर्सत हो कैलीग्राफी करने से पहले आप ये मश्क कर लें। क्या कह रही बेटा? नहीं, ये बिल्कुल रैंडम है। नहीं, बिल्कुल रैंडम, जो सर के जहन में आ रहा है, जो सर कंपोज देख रहे हैं, इजीली हो रहा है वहां वो लिखते जा रहे हैं, कोई सेट पैटर्न नहीं है। सर पूछते हैं कोई हमारे हमसे कि ये जो आप लिख रहे हैं ये आपके जहन में कोई सेट पैटर्न है कि आप मतलब अलिफ के नीचे वाव लिख रहे हैं, अलिफ के ऊपर हे और जीम लिख रहे हैं? दो, मैं जो बच्चे इसमें बहुत आर्ट करना चाहते हैं ना, वो खते दीवानी और खते सुल्स को हिफ्स कर लें। और देखिए मैं ये आपको लेक्चर दे रहा हूँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान तरीका किसी बच्चे को किसी बड़े को समझाना होता है वो आप थ्रू लेक्चर समझाते हैं। मैं जो प्रैक्टिकल आपके सामने कर रहा हूँ ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूं उसमें ये सब चीजें नहीं आ रही। आपने अगर बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है, कैलीग्राफर बनना है ना, आपको खते सुल्स और खते दीवानी बहुत आसानी से आनी चाहिए। जब आप कोई बात कर रहे होते हैं तो बात करने के दौरान आपका हाथ वही अमल कर रहा होता है ना, वो होती है हाथ और दिमाग की कमांड, यानी आपके दिमाग में अल्फाज हैं, अगर हाथ अटक रहा है तो ये अमल जो है ना पेंसिल का, ये उस कमांड को इक्वल करेगा, यानी उस कमांड को उसके प्रोग्राम कर देगा। अगर आपका हाथ आप देखिए, बहुत बहुत नेचुरली बात है कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो आप कैनवस पे या पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी सोच से होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग कुछ एडवांस चल रहा होता है, उनको हाथ इस तरह कमांड कर नहीं पा रहा होता, वो कैसे होता है, वो इसी प्रैक्टिस से होता है जो आपको पेंसिल से बताई। 2-1 बार की बात है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सब जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। किसमें? इसी में इस कलर में यहां पे ना करें,
ये तो मैंने पांच छह, ये तो पांच छह हैं, वाइट, लेमन येलो, बेड येलो, ऑरेंज येलो, ब्रंट सीना, राम्बर, ब्लैक, ये मैंने इतने कलर में यूज किया है। अच्छा, अब आप ये बताइए, इससे आपको 3D का पता चल गया? सब बच्चों की, जिनकी, जो बच्चे चाहते थे 3D पेंटिंग बने, उन्हें पता चल गया? क्योंकि यहाँ पे मैं उन्हें उन्हें खते कूफी में खूबसूरत आयतन कुर्सी लिख के दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये एक पूरी टेक्निक आज आपको दे दूँ, ना सिर्फ ये ना हो कि 3D हो। मैं 3D पे 4 घंटे का लेक्चर दे सकता था, लेकिन वही बातें मैंने आपको 4 घंटे में बतानी थी जो मैंने इस पूरी पेंटिंग में आपको बता दी है। सर, आप जो लिखेंगे यहाँ पे, जो भी हेडिंग होगी वो भी 3D होगी? नहीं, अब तो वो क्लियर है ना। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपली मैं लिखूंगा अल्लाह वाइट से, और बाकी आयतन कुछ नहीं लिखूंगा। अल्लाह तो, थ्री डी क्यों नहीं चलेगा? हाँ, थ्री डी क्यों नहीं नहीं, चलेगा? 3D हम कर चुके हैं। अब हमें वो है कि जो फाइनल नोट ऊपर से नजर आ रहे हैं, हमने वो कर दे, वो जो जो हाइट काम है ना, वो सारा हम कर चुके हैं। अच्छा, मतलब और 3D करेंगे तो वो 60 नहीं, वो तो 3D नहीं ना, वो तो फिर 103D हो जाए। खते कूफी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट। अगर आप कहते हैं तो मैं कोई और रसमुल खत लिख देता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। और आधा घंटा जी, तो क्या कह रही है? आप हमसे बात कर रही हैं? रवि वाइट मार्कर नहीं है? नहीं सर, है नया मार्कर दूं? दे देना, और साथ ब्लेड भी दे देना। अच्छा बेटा, बता दीजिए आप सब लोग के बच्चे के यहाँ पे हम कौन सा रसमुल खत लिखे? सर, खते दीवानी लिखे। खते दीवानी, ओके। छोटा कैलीग्राफर नहीं आया? छोटा कैलीग्राफर नीचे ही आज सर, वो, आपका छोटा। हाँ जी, वो मैं इंशाल्लाह ना, उसमें माशाल्लाह काफ़ी गट्स हैं, और मुझे ना वो राबिया कह रही थी। उसकी वीडियो देखी है, माशाल्लाह। हाँ जी, बड़ा खूबसूरत लिखा है। स्नोमैन वाइट पेंट मार्कर, इसका जो निब है वो मैंने इसे खोलने के बाद निकाल ली है, और बेटा ये कैमरा करीब करो, ये देखें, नहीं नहीं ये बिल्कुल फ्रेश है। और आपका जो, आपके पास जो खास तौर से आपने नहीं काटना ये हाथ से, जब तक आपने कोई ग्लव नहीं पहना, क्योंकि आगे एक बच्ची बता रही है कि जी उनका हाथ कट गया, उसकी वजह से उनसे ना काम नहीं हो रहा, वो कैलीग्राफी नहीं हो रही। अच्छा, इसके बाद आप इसके भाई की बेटे जी काम क्या कह रही है? लड़कों का काम है। हाँ जी, आप भी कीजिएगा ये। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत पे रखे। अच्छा, इसे थोड़ा सा तिरछा काटेंगे, थोड़ा सा, ये देखिए ये कट गया, ठीक है। आप इसे बाद में काटने के बाद इसकी थोड़ी सी जो तराश खराश है वो आप करवा लें। अच्छा, इसे काटने के बाद इसका जो, ये देखिए, ये गौर करें, ये छोटा हो गया है, ये वाइट एरिया जो है ना, इसका छोटा हो गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ कि फिर मैं ब्लेड के साथ इसे थोड़ा सा स्क्रेप कर देता हूँ,
ये देखिए काट देता हूँ आपको ऊपर से, ये देखिए खुरच दिया मैंने। अब आप ये देखिए, आप इसमें बहुत ज़्यादा ना मार्जिन आ गया राइटिंग के लिए ना। अच्छा बेटा चारकोल वाइट दे दे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल। परमानेंट मार्कर जो है वो सिर्फ तीन चार कलर्स में आता है, ये सिल्वर भी आता है, गोल्डन भी आता है और वाइट भी आता है। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये वॉश भी हो जाता है, परमानेंट मार्कर वॉश नहीं होता। इसको अगर आपने वॉश करना है, इसको अगर आपने वॉश करना है कैरोसिन ऑयल किसी टिश्यू के साथ या किसी कपड़े के साथ लगा के एक दफ़ा इसे वॉश करें, अगर कहेंगे तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। दो बार इसे बाद इस वाइट एरिया साफ टिश्यू लेके थोड़ा मिट्टी का तेल इस पे लगा के इसे साफ कर दें। जी जी देखिए बेटा आप लुबना जी ही है ना? लुबना जी आप लैपटॉप आवाज़ जिससे हमारी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। मैं इसका क्या करूँ? हाँ तो दूसरा हमारी को सलाम जी बेटी। सर हम कैनवस पे कलम से भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसकी शर्त ये है आप कैनवस को यूँ रखेंगे और यूँ लिखेंगे, नहीं तो अगर यूँ रखेंगे तो ही सारी आपके हाथों पे आ जाएगी। अच्छा जी सर, वो जो आपने एक्रिलिक का बताया था ना, वो लगा के तो अब कलम चल रहा है कैनवस पे, पहले नहीं चल रहा है ना? चले अल्लाह का शुक्र है जी सर, बहुत अच्छी टिप दी थी आपने। चल रहा है क्या टिप थी जरा समझा दो। क्या टिप दी थी बेटा आप बताइए? रवि जी सर एक्रिलिक की सर आप कुछ सोच रहे हैं? जी तो फिर आप बता दो क्या। हाँ हाँ बस एक्रेलिक, नहीं नहीं मेरा तो उधर ध्यान भी नहीं था। एक्रेलिक जो है ना, एक्रेलिक जिस तरह एक्रेलिक कलर होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह एक्रेलिक होता है गम फॉर्म में, जिस तरह गम होती है ना बिल्कुल उसी तरह होता है। अच्छा ये गीला है ना नीचे से भी, तो वो कलर सही नहीं आ रहा। मशीन कह रही है कांट हेयर, वो तो यू ही में ना। हाँ नहीं वहाँ नहीं होगा क्या सर एक्रेलिक? अरे हेयर नौशीन जी आप हमारे साथ हैं? जी जी नाइल के नाम। आपका मैसेज आया है ग्रुप में कांट हेयर। हाँ नहीं वो फिर मैंने लॉग आउट करके लॉगिन किया तो ठीक हो गया। ओके प्रैक्टिस के लिए आपके पास 5 mm और अगर खते दीवानी लिख रही है तो 4 mm। अच्छा अगर ये आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा ना तो ये जहन में रखिए कि मेरे पास जो इसकी बैकग्राउंड है वो बहुत गीली है और
कलर जो है ना उसमें मिक्स हो रहा है। हम इसे इंशाल्लाह ड्राई करके ना, तो मैं बाद में कल इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा फाइनल इसका व्यू भी। अभी हम सिर्फ इसको फाइनल कर देते हैं। सफेद रंग तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत। क्लियर नजर आ रहा है। सर ब्रश का नंबर कौन सा है? बेटा ये मैं आपको बताऊं, नंबर ये एक पूरा सेट होता है, चाइना वालों का थैंक यू बोलना चाहिए हमें। इसमें 12 ब्रशेस होते हैं, 180, 200, 220, 240 का एक ब्रश होता है। अब वो एक सेट होता है, इसमें बस लगा दा होता है ना, जहाँ पे जहाँ वो जिसकी जहाँ जितनी पहुँच है वो लगा लेते हैं। बेस्ट चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। है, बेस्ट है। इसमें मुख्तलिफ साइजेज होते हैं। अब अगर ये 220 रुपये का ब्रश होता है ना, मैं तो वैसे ही रख देता हूँ, मेरे पास बहुत यहाँ पड़े हुए हैं जो यूज नहीं हुए, डिस्कार्ड हो गए। ये 200 रुपये में या 250 रुपये में आपको 12 ब्रश मिलते हैं, और आप अगर कम से कम इनको 1 महीना यूज़ कर लेते हैं ना, तो जो आपने 1000 का या 800 का एक ब्रश ले के उसकी जितनी हिफाजत करनी है, उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें मुख्तलिफ साइजेज होती हैं, इन पे नंबर नहीं होते, चाइना वाले। जी बेटा, पिक्चर भेज दीजिए। हाँ जी, मैं पिक्चर आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, आपने कहा खते दीवानी। कैलीग्राफी की इंक भी थोड़ी सी बताएं, कैसी कैलीग्राफी एक होनी चाहिए? प्राइमर ड्राइंग एक डॉलर की जो सी मिलती है वो तो फजूल फजूल नहीं है। फजूल 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 प्राइमर ड्राइंग इंक। आपकी आवाज सर, वो जो केली इंक मिलती है वो भी यूज कर सकते हैं हम? कौन सी? केली इंक के नाम से मिल रही है? नहीं, वो मुझे, मैंने वो यूज नहीं की, मुझे उसके बारे में बेटा पता नहीं है, लेकिन ये है कि यूएसए और यूएई में मिलती है। सर आपने क्या नाम लिया? सर आपने क्या नाम लिया? रिपीट करते। प्राइमर ड्राइंग इंक। मिल जाती है आराम से? आराम से, आराम से। उस दिन पता नहीं कोई इंक मैं लेकर आई हूँ, अभी तक मैंने चूज की थी वाइट कलर में, इस पे तो कोई नाम ही नहीं लिखा हुआ, और कह रहे थे कि अच्छी इंक है। नहीं, प्राइमर ड्राइंग इंक जो है ना वो बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारे साथ आज वो कलर्स भी हैं। है, मेरे पास खाली से ब्लैक कलर है। हमारे साथ हीरा नहीं है? इससे मेरा ख्याल है आप इसको काइंडली थोड़ा सा इस तरफ कीजिएगा, उल्टे हाथ पे कैनवस को। बेटा हमारे साथ हीरा नहीं है? हीरा आई गेस है। नहीं सर, नहीं आई थी वो, पर चली गई है वो। दीवानी में आपने अल्फाज को गैर जरूरी खींचना नहीं है, कि आपने इल्ला लिखना है तो आप अलिफ बड़ी कर दें, असूलों को मद्देनजर रखिएगा।
आप सबको विजुलाइज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आवाज ही नहीं आ रही बच्चों, आप सब मेरे साथ हैं। अच्छा 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 सही है। मैंने पूछा विजुअलाइज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा जी, क्या कह रही? कह रही हैं आपकी राइटिंग में गुम हो गए। राबिया बेटा, आप सिर्फ लास्ट में इसकी ना एकदम क्लियर तीन दो तीन पिक्चर डाल दीजिएगा। ये अंदाजन कितना गैप आप दे रहे हैं बीच में? ये तकरीबन डेढ़ इंच, 1.5। मिठू मेरे, तो मैं कुर्बान कर रही हूँ। Thank you.
अच्छा, हम नेक्स्ट क्लास जो है पहली कैलीग्राफी की करेंगे या पहली पेंटिंग की? कैलीग्राफी, ठीक। जो दिवाली के हमारे गुरु गए थे जी, जो हमारे दिवाली के गुरु गए थे जी, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नहीं, आई मीन के पहले दिवाली करे वो कैलीग्राफी करेंगे या पहले पेंटिंग, क्योंकि वो तो आने ही आने हैं ना, वो तो आने हैं। मेरा मतलब था कि आप हमने पेंटिंग शुरू की है, अगली पेंटिंग करके उससे अगली वाली कैलीग्राफी करेंगे, वैसे ये पूछ रहा था। लेकिन ठीक है, वो दीवानी पे कीजिएगा क्या पूछ रहे
जिस तरह आपने ये येलो ऑरेंज से आप ब्राउन्स में गए हैं, इसी तरह हम ऑपोजिट कलर्स भी ले सकते हैं। जी बेटा, मैंने अर्ज की थी कलर स्कीम की चॉइस आपकी है। कलर स्कीम आप इसमें 256 कलर है नेचर के, उसको बाद में मिक्स करें तो वो हजारों में चले जाते हैं आपके पास। देखें, जब तक आप रंगों के साथ खेलेंगे नहीं, आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। जो कलर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है अप्लाई करते हुए, वो सबसे ज्यादा अप्लाई करें। ये आसान कुलिए हैं जो आर्टिस्ट के लिए, यानी आपका टैलेंट आपके पास मौजूद है, सिर्फ आपको एक अल्लाह की सीढ़ी बंदी। दिखानी है, एक एक जीना दिखाना है, बाकी आप में सब वो माशाल्लाह सलाहियत मौजूद है। ठीक है, अब मैं माजरा चाहूंगा, मैं स्टमक का पेशेंट हूँ। इसमें सिर्फ यहाँ पे हमने लिखना है अलैहिल अजीम और यहाँ पे नेम ऑफ अल्लाह। हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा तो हम इसे जल्दी से इंशाल्लाह आपके सामने 5 मिनट में ये तैयार कर देंगे। और ये पेंटिंग जो है ना, इसके बाद इस पर वैसे तो होना चाहिए काम, लेकिन मैं कोशिश करेंगे हम कर लें। बल्कि मैं आपके सामने ना थोड़ा इसको कर ही देता हूँ, ताकि इसका ये वाला प्रोसेस जो है ना ये फिनिश हो जाए। अच्छा, इस कलर स्कीम में अगर हम टर्कवेज नहीं लगाते तो फिर हमने इंसाफ नहीं किया। सर पैलेट में लगा दे। नहीं, अब ये देखिए, ये देखिए, क्या लगा रहे हैं आप? टर्कवेज कलर, ग्रीन ब्लू मिक्स, और ये मैं अल्लाह अल्लाह लिख रहा हूँ, ये देखिए, जिक्र कर रहा हूँ बारीक बारीक। ये आपसे शेयर करूँगा मैं इसका, ये देखिए, ये सारी टेक्निक एक ही पेंटिंग में। जिक्र कहते हैं जी, जिक्र, जिक्र, अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे वो जिक्र ही होगा ना। मैं इसे जिक्र कह लेता हूँ, बारीक बारीक जो आप दिखते हैं ना अल्लाह अल्लाह, तो वो जिक्र आ जाता है। अच्छा जी, उसको आप ब्लू और ग्रीन मतलब उनके जी, ऑपोजिट में लिख रहे हैं। जी, ये वो कलर है जो इस पूरी पेंटिंग में नहीं है लेकिन इसका हिस्सा है। जब तक आप इसमें ये यूज नहीं करते, इसकी कलर स्कीम कंप्लीट नहीं होती। ये ले जनाब, ये आज का काम हुआ समाप्त। कैसे क्या कहते हैं, समाप्त। सॉरी।